आप सब लोगों का स्वागत है क्लास नंबर 10 में। एक्चुअली में जो अध्याय 5 है वो क्लास नंबर 9 और 10 में है, और मैंने पिछली क्लास में गलती से 8 बोल दिया। तो जो अध्याय 5 है वो क्लास नंबर 9 और 10 में कंप्लीट किया है। जो पिछली क्लास थी, अध्याय शुरू किया था पाँचवा, वो 9 नंबर क्लास है, और अभी हम 10वीं क्लास करने जा रहे हैं। और अध्याय 5 का अगला हिस्सा हम लोग करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में जो इस क्लास का टॉपिक है कि कैसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें। तो ये क्लास नंबर 10 है, जो पिछले मैंने गलती से 8 बोला है, क्योंकि आप सब लोग, हम जानते हैं कि परफेक्ट कोई भी नहीं है, मैं भी बढ़ रहा हूँ, और आई होप कि आप समझ सकते हैं, और मेरे लिए प्रार्थना भी करोगे कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ और सही रीति से चल सकूँ। तो आइए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक हम लोगों ने क्लास में सीखा कि सुसमाचार क्या है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर कौन है, पाप क्या है, आदमी क्या है, और अभी हम जानेंगे कि कैसे पाप धरती पर आया, उसके विषय में हम लोगों ने जाना। अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु कौन है, परमेश्वर का अनंत पुत्र जो आप अवतरित होकर मनुष्य के रूप में प्रकट, वो परमेश्वर का बेटा है और मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट हुआ मसीही व्यक्ति। अब याद रखो कि एक सिचुएशन अपने आप में क्रिएट करो कि यहाँ पर एक आप रोड पर हो और एक आप नए बंदे से बात कर रहे हो और आप सड़क के ऊपर पर्चे बांट रहे हो, तो वो एक चित्र है यहाँ पर। तो एक जिसको आपने पर्चा दिया उसके बीच में और आपके बीच में ये बातें हो रही है। तब अब यीशु के विषय में बता रहे हैं कि यीशु कौन है, तो आप बताना शुरू करते हैं कि बाइबल के अनुसार यीशु परमेश्वर का अनंत पुत्र है, जिन्होंने अपने स्वर्ग के महिमा में सिंहासन को छोड़कर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर ताकि मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बन सके। यीशु मसीह ने कौन है, उसने अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर वो आए हमें छुड़ाने के लिए। यीशु का पाप रहित जीवन, उसके चमत्कार के विषय में बताना है। उसके बाद यीशु इतिहास और धर्म अगुओं से किस प्रकार अलग है। यीशु ने एक पूर्ण रूप से पाप रहित और पवित्र जीवन जिया, उन्होंने पाप नहीं किया, वह परमेश्वर के पुत्र थे और उनका 100% जीवन जो था वो शुद्ध था। साथ ही यीशु ने ऐसे चमत्कार किए किसी मनुष्य ने कभी नहीं किए, उन्हें अंधों को रोशनी दी, कोड़ियों को चलता किया, कोड़ियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलता किया, मुर्दों को जिंदा किया। अगर कोई व्यक्ति मुर्दों को जिला सकता है तो वह स्वयं परमेश्वर है। याद रखो, एक आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो कर सकता है। और किसी अन्य धर्म ग्रंथ में किसी पीर और पैगंबर के द्वारा ऐसी शिक्षा और चमत्कारों के विषय में कोई वर्णन नहीं पाया जाता। आज भी संसार भर के लाखों लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में यीशु को चंगाई और चमत्कार करते अनुभव करते हैं। हम जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं तो अपनी लाइफ में चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं आज भी, क्योंकि मलाकी 3:6 के अनुसार परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है, और यीशु भी, उसने भी बड़े बड़े चमत्कार जो किए हैं हम बाइबल की पहली 4 सुसमाचार की पत्रियों में देखते हैं। और मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हो सके तो नेक्स्ट क्लास जो है आप सुसमाचार की पत्रियाँ जरूर क्लास लीजिए। फिर यीशु ने क्या किया उसके बारे में हम लोगों को बताना है। उसने हमारे पापों की कीमत क्रूस पर एक पवित्र बलिदान बनकर चुकाई, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे। लिखा यीशु ने क्या किया, वह हमारे पापों की कीमत क्रूस पर एक पवित्र बलिदान बनकर चुकाई, उन्हें गाड़ा गया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कैसे, इस बात को पास्टर काल जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जैसे हम लोग, हमारे हाथ में एक मोबाइल रहता है या बाइबल रहती है, तो हम उसको कैसे एग्जाम्पल में के रूप में दे सकते हैं। मान लो कि ये इंसान है और ये पापी इंसान है, जो बाइबल को हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, और परमेश्वर से जो था पाप की वजह से आदमी अलग हो गया, तो जब यीशु मसीह आए तो उसने क्या किया, हमारे पापों को यीशु पर डाल दिया।
और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को क्या किया है, हमारे ऊपर डाल दिया और अब हम परमेश्वर के साथ एक हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे परमेश्वर से हम लोग दूर हो गए थे। तो आप इस जो है इसको एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारे जो आदमी परमेश्वर के साथ में था और आदमी परमेश्वर से दूर हो गया और यीशु मसीह हमारे जो पाप है इस तरह है, हमारे सारे पाप क्या है, यीशु मसीह पर डाल दिए गए और यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी गई और अब हम यीशु मसीह में एक हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो जुड़ चुका है। तो कंटिन्यू हम इस बात को आगे जारी रख सकते हैं कि क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को कि क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध का सामना किया, मानव जाति के लिए पाप का असीम क्रोध, यहां तक कि सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया और अंधेरे में धरती को उस समय ढांप लिया जिस दिन यीशु की मृत्यु हुई। याद रखो, दुनिया के इतिहास में सबसे जो भयानक घटना थी वो था यीशु मसीह की अपने पिता परमेश्वर के साथ संगति टूटना। पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था, कुछ घंटों के लिए अंधेरा हो गया था जब यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप आए। आखिरकार स्वाद से पहले यीशु ने विजय शब्द क्या कहा, सब इस बात को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इस बात को बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी क्लीसिया जो है नहीं जानती। वो है जब यीशु मसीह मरने से पहले, उन्होंने अपने श्वास को छोड़ने से पहले एक शब्द कहा, सब पूरा हुआ। अंग्रेजी में सब पूरा हुआ और अंग्रेजी शब्द में भी सब पूरा हुआ। यहूदी में इसका मतलब है तेले सताई, ये शब्द यीशु ने बोला था। यहूदी में इसका मतलब है तेले सताई, इसका मतलब है क्षण का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है कि हमारे पाप का जो बलिदान है वो पूर्ण कर दिया गया है। यीशु ने क्रूस पर विजय होकर कहा सब पूरा हुआ, तो इसका अर्थ है कि क्रूस पर मानव जाति के माध्यम से, मानव बलि के माध्यम से मानव जाति के हर एक पाप का भुगतान कर दिया। याद रखो, सब पूरा हुआ का मतलब ऐसा कोई भी पाप नहीं रहा जिसकी सजा भी हमें परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्या कर दिया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब बातों का, सब पापों का भुगतान हो चुका है। क्योंकि रोमियो 6:23 के अनुसार हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु थी, जो हमें मृत्यु मिलनी थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मनुष्य का पाप जिन्हें पूरी तरह से भुगतान किया गया है। लेकिन वैसा पूरा नहीं है, यीशु अपनी सेवकाई में ना केवल मृतक लोगों को जीवन में वापस लाए बल्कि उन्हें क्रूस पर अपनी मृत्यु और दफनाए जाने की और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। 16:21 में जो कि भविष्यवाणियां की थी वो पूरी हुई है और ठीक तीसरे दिन यीशु मसीह जी भी उठा। ये चमत्कार सैकड़े लोगों के द्वारा देखा गया, 500 लोगों से ज़्यादा यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जो है, और लगभग 40 दिनों के बाद यीशु ने सैकड़े लोगों को कई ठोस सबूत बताते हुए स्वयं को उनको दिखाया कि वह जीवित है। प्रेरितों के काम अध्याय 1:3 में, मतलब जिंदा होने के बाद कई दिनों तक यीशु मसीह ने दिखाया लोगों को कि वो जीवित है, जैसे 12 चेलों को दिखाई दिया और 500 ऐसे लोगों को जो वहाँ पर रहते थे। एक क्लास आती है हमारी अपोलोजेटिक्स, उसमें आपको हर एक बारीकी से डिटेल में बताया जाता है कि कैसे कैसे किन किन को वो दिखाई गया। उस क्लास को भी करना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब रहते हैं। तो मैं इस कहानी के साथ आपको एक यहाँ पर पास्टर काल एक उदाहरण देते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं जस्ट आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक अमीर घर की लड़की रहती है और वो बड़ी जवान लड़की रहती है, बड़ी तेज स्पीड में वो गाड़ी चला रही होती है और क्या होता है कि उसकी कार से उसने एक दो जन को क्या किया, कुचल डाला और मार दिया। पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जज के सामने पेश किया जाता है क्योंकि उसका संगीन जो था बहुत संगीन था और उसे सजा तो मिलनी ही थी। तो जब उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसको कम से कम 50 लाख तक
50 लाख तक रुपए का क्या किया, जुर्माना भरने को कहा गया। तो उसके पास दंड का जो भुगतान का कोई साधन नहीं था, वो लड़की के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दंड का भुगतान कर सके। तो फिर क्या हुआ, अदालत में मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि अभी न्यायाधीश क्या करेगा। तो वो क्या करता है, जो जज रहता है वो उसी लड़की का पिता रहता है, तो वो उसने फैसला सुनाया कि तुझे इतने पैसे देने होंगे। तो उसी समय उसने अपना कोर्ट वो अपनी जज की सीट से नीचे आया और जितना पैसा था और उसने उस पाप के बदले भुगतान कर दिया, और अब वो लड़की बिल्कुल फ्री हो चुकी है और उसने कुछ किया भी नहीं। तो इस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि परमेश्वर ने व्यवस्था को भी बनाए रखा और जज ने जो है व्यवस्था को, कानून को भी बनाए रखा, क्योंकि न्याय तो होगा, और उसने अपनी बेटी को बचा लिया। उसी तरह से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर जो है हमारे पापों के लिए धरती पर आए, और जो गलतियां पाप हमारे लिए थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हजारों साल पहले उत्पत्ति 3 में कैसे आदम और हवा ने पाप के कारण, सिर्फ एक आज्ञा उल्लंघन के कारण, आज्ञा ना मानकर उन्होंने पाप किया और पूरी धरती पर वो पाप फैल गया। और आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह ने ऐसे ही हमारे लिए धरती पर वो आए, मारे गए, गाड़े गए और हमारे पापों के लिए अपना भुगतान कर दिया है। तो आप समझ रहे हैं ना जो बात समझाना चाहते हैं यहाँ पर पास्टर काल, कि हम अपने कामों के द्वारा क्या है पापों का भुगतान नहीं कर सकते। तो ये बात हम पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से कि जो मैं आपको इस कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ सॉरी आप समझ रहे हो ना, तो वो बोलेगा हाँ मैं समझ रहा हूँ। मसीही आप बोल सकते हैं, मसीही व्यक्ति बोलेगा अच्छी बात है, मैं लगभग समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो क्योंकि ये अनंत का हिस्सा है और संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखो हमारा सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है, पर हमारा मेन बात ये है कि वो अपने पापों का अंगीकार करे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। तो यहाँ पर एक संस्कृत में उस पास्टर ने दिया है कि 3 महत्वपूर्ण मैं हूँ के विषय में, जैसे भारत में लिखा है, संस्कृत में पढ़ना चाहूँगा मैं, अस्तमो मा सद गमया, जिसका मतलब होता है असत्य से सत्य तक मेरी अगुवाई करे। तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोगों के, संस्कृत में लिखा हुआ है, हम उसमें विषय में नहीं जाएंगे। तो हमारे धर्मों में भी क्या है, धर्म ग्रंथों में भी क्या है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप जरूर पढ़िएगा। ओके, उसके बाद हम आगे शुरू कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना के करोड़ों खोजने वाले प्रार्थनाओं के बारे में इतना दिलचस्प क्या है। वो बोलेगा मैं तो जानता नहीं हूँ, ठीक है मैं इन ऋषियों को दिल की लालसा में लालसा यीशु में पाई जाती है, उनकी सभी प्रार्थनाओं का पता चलता है कि यीशु ने उनकी पूर्ति कैसे की। जैसे हमारे इंडिया में ऋषि मुनि जो हैं वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में पूरी होती है। जैसे कुछ दावे सुनने के मिलते हैं, जैसे मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, जोहन्ना 14:6 में ये लिखा है, जोहन्ना 8:12 में प्रभु का वचन कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जोहन्ना 11:25 में कहता है यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तब भी जिएगा। तो फिर हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप असत्य से सत्य की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु सच्चाई है। क्या आप अंधकार से ज्योति की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। क्या आप मृत्यु से अनंत काल अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हो, क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। तो आगे हम फिर आगे हमें अब यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बचाने वाला विश्वास। तो अब उस व्यक्ति के अंदर एक हलचल पैदा हो रही है कि फिर मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्योंकि हम बाकी उसमें देखते हैं कि
हमें क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे कामों के द्वारा सोचते हैं। तो क्या है ये, क्या है यीशु मसीह में केवल हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर किया गया है उसे पूर्ण काम पर भरोसा करना। तो विश्वास क्या है, जो यीशु ने हमारे लिए किया है उस काम पर भरोसा करना। तो आप मर जाते हो तो स्वर्ग में जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम सवाल पूछ सकते हैं। वो बोलेगा फिर हमें ही कंटिन्यू रखना है कि आपको स्वर्ग जाने के लिए फिर क्या करना चाहिए। तो हम सिंपल शब्द में उसको बोल सकते हैं कि आपको मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़कर यीशु पर विश्वास करना चाहिए कि एकमात्र प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उधार पाने के लिए हमें अपने कामों पर भरोसा नहीं बल्कि यीशु मसीह पर और उसके क्रूस पर, उसकी मुक्ति के कार्य पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमसे कोई भी स्वर्ग जाने के लिए योग्य नहीं, हम पापी हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि वे अच्छे काम करते जैसे दान देना, तीर्थ जाना, एक अच्छा जीवन जीना, प्रार्थना करना, तो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में उनके साथ रहने देंगे। लेकिन ये कोई ये कहता है कि परमेश्वर की पवित्रता से अनभिज्ञ है, आप कितने भी अच्छे काम करते रहो इसके बावजूद आप इस तथ्य को कभी नहीं हटा सकते कि आप अपने जीवन में सैकड़े बार पाप किए होंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आप 10 पाप करते हो तो 70 साल की आपके जीवन है तो 252,000 से भी ज़्यादा हमारे पाप हो जाते हैं, और 700 पाप भी अदालत में जाए तो हमें सजा देने के लिए बहुत है। पर हम अपने कामों के द्वारा उनको क्या है दूर नहीं कर सकते। परमेश्वर 100% पवित्र है, कोई पापी उनकी उपस्थिति में बिना क्षमा प्राप्त की उपस्थिति में नहीं आ सकता। याद रखिए आदम और हवा ने परमेश्वर की संगति सिर्फ एक ही वजह से खत्म हो गई थी, वो था पाप के कारण। सभी मानव जाति के लिए दुख की खबर यह है कि हम सभी पापी हैं और हम अपनी योग्यता से स्वर्ग जाने से असमर्थ हैं। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्षमा करने का एक तरीका तैयार किया है यीशु के बलिदान के माध्यम से। तो हम इस बात को कंटिन्यू रख सकते हैं, आप अपने पापों की क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रार्थना के लिए उस व्यक्ति को उत्साहित करना है और यीशु परमेश्वर के पुत्र को उद्धारकर्ता पर भरोसा करके जिसे परमेश्वर ने भेजा है। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, नरक में ना जाए परंतु अनंत जीवन पाए, स्वर्ग जाए। यूहन्ना 3:16 में ये वचन लिखा है। तो उसके बाद हम आपको यीशु को एकमात्र प्रभु को मतलब हमें उसको उत्साहित करना है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और उसके किए हुए काम पर वो विश्वास करे। फिर है वचनबद्धता का समर्पण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए कि समर्पण के लिए उसको उत्साहित करना। हम सवाल पूछ सकते हैं क्या ये आपको समझाता है जो मैंने अब तक आपको बांटा है। बीच बीच में पूछते रहिए, ऐसा ना हो कि आप खाली बोलते रहो और सामने वाले बंदे को कुछ समझ में भी ना आए कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ पर ये पास्टर कार्ल ने सिर्फ एक नमूना दिया है कि हम सुसमाचार कैसे बांट सकते हैं। बाकी सिचुएशन के हिसाब से जब आप अपने पास्टर के साथ आउटरीच में जाओगे तो आप प्रैक्टिकली इन बातों को देखोगे। ये सिर्फ एक नमूना है कि हम ऐसे हैं। तो बीच बीच में सवाल पूछते रहिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आता है कि नहीं। जहाँ तो जब आप पूछते हैं कि जो भी मैंने बोला आपको समझ आया कि नहीं, दो प्रक्रिया हो प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जहाँ तो वो हाँ बोलेगा जो ना बोलेगा। अगर हाँ है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर उसको हम लोग निमंत्रण के लिए, प्रार्थना का निमंत्रण देने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जहाँ तो उस बंदे का हम नाम पूछ सकते हैं, जहाँ बोल सकते हैं मेरे दोस्त क्या आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं और मरने पर एक दिन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताने के बाद, परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, मनुष्य के बारे में, यीशु के बारे में, उसके बलिदान के बारे में बचाने के बाद एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होना चाहते हैं या जाने के लिए तैयार हो। वो बोले निश्चित रूप से कहेगा हाँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पवित्र आत्मा अगवाही करता है। तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, सामर्थ्य की प्रार्थना करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका नाम ले सकते हैं आप,
मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ। ये प्रार्थना एक मिनट से कम समय लेती है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो और आप अनंत जीवन का आश्वासन मिले, तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। यीशु आपसे कभी पापों को क्षमा करने के लिए कहें और यीशु को आप पापों को क्षमा करने के लिए कहें। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आप अकेले ही उसके सामने खड़े होंगे, इसलिए अपनी आंखों को बंद कर अपने दिल में विनम्र करें और प्रार्थना करें। याद रखें कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर से बात कर रहे हो। याद रखो, आदमी को हमें इस बात का एहसास कराना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी कोई भी व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार एक इंसान के सामने नहीं कर सकता। मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। उसको बोलो कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है, आप अपने मन में पापों का अंगीकार करो। उसके बाद हम एक सिंपल सी प्रार्थना करवा सकते हैं। ये प्रार्थना आपको आनी चाहिए और हर एक नए पर्सन से, हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक बार ये प्रार्थना करना जरूरी है। लिखा है, आप उसको प्रार्थना करवा सकते हैं। बोलो, आप उसको बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु, आज मुझे क्रूस पर आपके बलिदान का सही अर्थ समझ आया है कि परमेश्वर ने आपको मेरे पापों से बचाने के लिए भेजा है और आप संसार के उद्धार करता हो। हे प्रभु, मुझे पता है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं पापी हूँ जिसे क्षमा की आवश्यकता है। मैं आपको मुझे क्षमा करने और मुझे बचाने और जो मैं मरता हूँ तब मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए विनती करता हूँ। मुझे परमेश्वर की शांति दे जो केवल आप मुझे दे सकते हो। इस दिन से मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करें और मुझे आपको और अधिक जानने में सहायता करें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये सामर्थ की प्रार्थना हम करवा सकते हैं, इसको उद्धार की प्रार्थना करते कहते हैं। फिर प्रार्थना करवाने के बाद उसको उद्धार का अनुवासन उसको बताएं, आश्वासन दे के आपका उद्धार हो चुका है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि उसका नाम लेकर बंदे का कि आपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना की है। मैं चाहता हूं कि अब आप देखें कि कुछ आपको आपने अभी क्या किया उसके बारे में यीशु कहता क्या कहता है जो अभी आपने प्रार्थना किया है। यूहन्ना 6:47 में लिखा है, लिखा है कि मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। अगर बाइबल पास में हो तो अच्छी बात है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। क्योंकि हम अपने बातों से नहीं, अगर बाइबल से पढ़ेंगे तो वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा और उस व्यक्ति की लाइफ में भी कार्य करेगा। वो बोलेगा हाँ, ये सही है, बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बाइबल हमारे लिए हर एक बात को प्रूफ करने का आधार है। एक और क्लास अध्याय 1 में हम लोगों ने कवर किया था कि फिर हम बोल सकते हैं कि आप अपने उद्धार के लिए किस पर भरोसा करते हैं। वो बोलेगा यीशु मसीह पर। फिर आप कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। वो बोलेगा हाँ, मैं करता हूँ। फिर हम पूछ सकते हैं, मतलब ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि कन्फर्म हो जाए क्या बंदे ने सचमुच प्रार्थना दिल से किया है। तो वो बोले, हम पूछ सकते हैं कि यदि आप आज रात को ही मर जाएं तो हम कहाँ जाएंगे। वो बोलेगा स्वर्ग में। और हम पूछ सकते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर आपसे पूछे तुम स्वर्ग में क्यों हो, तो आप क्या कहोगे। और वो कहेगा क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास करता हूँ। यही काफ़ी है। यदि जो अभी आपने होठों से कहा और अपने हृदयों से माना है मानते हैं तो आपके पास मसीह का वादा है, उसके पापों को क्षमा कर किया है और अपने परिवार में अपनाया है और आपको, तो हम उसको एक उत्साहित करते हैं कि अगर आपने ये सारी बातों को मानते हैं तो आपका स्वागत है हमारे विश्वासी जीवन में। तो उसके बाद जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कुछ चीज़ों का पालन कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटी बाइबल है तो हम उसको बाइबल दे सकते हैं, विश्वास में उसको उत्साहित कर सकते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और नहीं तो अगर नहीं भी है तो कुछ दिनों के बाद उसको मिलने की कोशिश कर, उसका मोबाइल नंबर हम लोग ले सकते हैं। और बहुत सारी किताबें मिलती हैं, जैसे आप यहाँ पर पास्टर कार ने कहा है कि हम उसको लुक्का का सुसमाचार या यूहन्ना की किताब दे सकते हैं छोटे पढ़ने के लिए। वो जैसे भी सिचुएशन आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो
उसको पढ़ना कैसे बाइबल को, वो भी बता सकते हैं कि आप पहले लुका की किताब पढ़ो, फिर यूहन्ना की, फिर उत्पत्ति की, फिर निर्गमन की, फिर गिनती की, फिर मत्ती की किताब, और फिर प्रेरितों के काम की किताब, फिर गलातियों की किताब, यूहन्ना, फिर याकूब। 10 किताबें यहाँ पर सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए कहा गया है। तो उन्हें हिस्सों को चिन्हित करते हुए उत्साहित करें कि वे समझने, जो बात उनको बाइबल में समझ नहीं आती आप उनको समझाने के लिए साप्ताहिक और हफ्ते में एक या दो बार उसको मिलने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक बंदे की परिस्थिति अलग अलग रहती है। उन्हें अपने स्थानीय कलीसिया में भी अच्छी बाइबल शिक्षा परीक्षण के लिए भाग लेना शुरू करने के लिए आमंत्रित करें। हमारे ग्रेट ग्रेस की सबसे खुशी की बात यह है कि हर एक कलीसिया में बाइबल स्कूल है, तो हम उसको बाइबल कॉलेज के लिए उत्साहित कर सकते हैं। मतलब जबरदस्ती नहीं, उसको धीरे से आराम से आने दो। तो सिंपल शब्दों में, जब तक अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्योंकि ये जो पूरी क्लास आपको पढ़ाई गई है, ये सिर्फ आप जब किसी से बात करते हो आपका समय 5 और 7 मिनट के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट ले सकते हो। जब आप कंटिन्यू बने रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि जब मैं पहले सुसमाचार सुनाता था तो कम से कम 15-20 मिनट लेता था, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज 2-4 मिनट के अंदर ही पूरा सुसमाचार सुना के उनको सुसमाचार हम लोग सुनाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी अगवाही करता है। तो हम लोगों ने अभी इस क्लास में जाना कि सुसमाचार क्या है, फिर हम लोगों ने देखा खुशखबरी क्या है, पहला कुरिन्थियों 15:2-4 के अनुसार। फिर हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और वो सृष्टि करता है, और मनुष्य क्या है, परमेश्वर ने उसको अपनी संगति के लिए बनाया था, और आदम हवा ने उनका उसके विरुद्ध पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, और पाप क्या था, ऐसा कोई भी विचार या स्वभाव जो परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध है। फिर यीशु कौन है, वो परमेश्वर का बेटा है और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। फिर उद्धार देने के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, फिर निमंत्रण करना, और उसके बाद उद्धार के बारे में उनको बताना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देना चाहता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि खुशखबरी का अर्थ क्या है। खुशखबरी, पहला क्वेश्चन है, खुशखबरी का अर्थ क्या है। पहला कुरिन्थियों 15:2-4 वचन को आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल, पाप क्या है, पाप क्या है, एक लाइन में लिखो। तीसरा, यीशु कौन है, एक या दो लाइन में लिखो। समर्पण की प्रार्थना क्या है, उद्धार की प्रार्थना क्या है, उसको आप लिखो। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूँ, खुशखबरी क्या है उसका अर्थ लिखो। दूसरा, खुशखबरी का अर्थ क्या है, पहला कुरिन्थियों 15:2-4 आप वचन लिख सकते हो। दूसरा, पाप क्या है, एक दो लाइन में लिखना है। यीशु कौन है, उसके बारे में एक या दो लाइन में आप लिख सकते हो। तीसरा, समर्पण की प्रार्थना क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्लास नंबर 5वां जो अध्याय है, हम लोगों ने क्लास नंबर 9 और 10 में उसको कवर किया है। तो आइए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।